और इनके न्याय करने की जो शक्ति है वो उसी इत्र की तरह। और सरकार का समन्वय कैसे बनाया जा सकता है वो नंदकिशोर यादव जी के कुशल। बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे गार्जियन ऐसे आगे बढ़े। नमस्कार, आप देख रहे हैं सोसाइटी, मैं देवेंद्र सिंह लड्डू। आज पटना सिटी में खास करके भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता बिल्कुल उत्साह और चरम पर है। बिहार विधानसभा के नए अध्यक्ष श्री नंद किशोर यादव जी का सम्मान समारोह आज उत्साहित माहौल में है। आज बिहार विधानसभा के अध्यक्ष नए नंद किशोर यादव जी के सम्मान समारोह में सर इत्र लगाकर आज आप स्वागत किए। हाँ, क्या खास है? खास ये है इत्र से कि जिस तरह से इत्र का महत्व होता है उसी तरह से इनका जस और इनके न्याय करने की जो शक्ति है वो उसी इत्र की तरह चारों तरफ फैलता रहे। आज पूरे बिहार और पटना साहिब विधानसभा के लिए बहुत ही गर्व और खुशी का क्षण है, जो हम सब मिलजुल कर एक दूसरे को बधाई देते हुए मिठाई खिलाते हुए मना रहे हैं। और बहुत ही अच्छा लग रहा है, हमारे गार्जियन ऐसे आगे बढ़े। जिसको हम चलना सिखाए वो आगे अगर जाते तो बहुत खुशी होता है। तो आज माननीय हमारे नंद किशोर यादव जो हम लोग के अभिभावक भी हैं, गार्जियन भी हैं, पटना साहिब के आन बान और शान, महिलाओं को मान और सम्मान देने वाले हमारे माननीय नंद किशोर यादव जी आज इतने अच्छे शिखर पर पहुंच गए कि बिहार विधानसभा के अध्यक्ष बन गए, इससे बड़ा खुशी क्या हो सकता। और मेरा दिल से उनके लिए बहुत अभिमान है। जो जन जन के नेता हैं सबके प्रिय हैं, वैसे विधायक और वहाँ विधानसभा के अध्यक्ष को मैं बहुत बहुत बधाई देना चाहूँगी। आज हम लोग बहुत ही उत्साहित हैं, पूरा पटना साहिब विधानसभा के जितने कार्यकर्ता हैं, महिला पुरुष जो भी हैं, बच्चा बच्चा सभी लोग आए हैं और हम लोग अध्यक्ष बनने के उपलक्ष में इतने खुश हैं, जो कि जितना विधानसभा चुनाव जीते थे उससे भी ज़्यादा हम लोग खुश हैं। नरेंद्र भाई मोदी जो प्रधानमंत्री हैं, गृह मंत्री अमित शाह जी और राष्ट्रीय अध्यक्ष नड्डा जी ने एक नया दायित्व दिया है, एक नई जिम्मेवारी दी है। आज भारतीय जनता पार्टी पटना साहिब के कार्यकर्ता इस जिम्मेवारी को लेकर खुश हैं, उत्साहित है, उल्लास है उनमें, और वो आदरणीय नंदकिशोर यादव जी का अभिनंदन कर रहे हैं। जहां वो आदरणीय नंदकिशोर यादव जी का अभिनंदन कर रहे हैं, वहीं नंदकिशोर यादव जी भी उनका अभिनंदन कर रहे हैं। ये एक ऐसा दृश्य है जो मोहक है और ये बतलाता है कि संगठन और सरकार का समन्वय कैसे बनाया जा सकता है, वो नंदकिशोर यादव जी एक कुशल संगठनकर्ता होने का उद्देश्य देते हैं। सजा दो घर को गुलशन सा, मेरे चाचा जी आए हैं, बजा दो ढोल स्वागत में, मेरे चाचा जी आए हैं, मेरे चाचा जी आए हैं, मेरे चाचा जी आए हैं, बजा दो ढोल स्वागत में, मेरे भगवान आए हैं। मैं भगवान इसलिए बोल रही हूँ क्योंकि अपने से बड़ों को भगवान ही माना जाता है।